तो गाइस, खमन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके का बाउल, घोल बनाने के लिए जो बेटर होता है। और हमने लिया है एक कटोरी बेसन, कटोरी की साइज ये है, मैं इसे एक कटोरी ले लूँगी। गाइस, इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ही रखना है। और इसमें हम डालेंगे एक पिंच हल्दी, इससे जो कलर है खमन का बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने ये आधा नींबू का जूस स्क्वीज किया हुआ है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर थोड़े थोड़े पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अच्छा से डाल के, ये कोई गांठ ना रहे इसमें। तो गाइस, हमारा जो घोल है वो रेडी है। हमें इतना पतला रखना है, इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा मोटा हमें नहीं करना है। और अब हमें इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है, और मैं इस पानी को बॉईल कर लूँगी अच्छे से। पूरे हीट पे इसे डालना है पानी को, और पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने जो हमारा पतीला है जिसमें हम खमन को बनाएंगे उसमें अच्छे से ऑयल डाल लेते हैं। तो गाइस, हमने ये बॉल डाला है, अब हमें इन चारों तरफ से इसमें ऑयल को अच्छे से करना है, ताकि जो हम खमन डाल के पकाएंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो हम इसे चारों तरफ से लगा लेते हैं। तो हमने लगा लिया है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं हम इस तरीके से रखना है। गाइस, अब हम इसको साइड पे रखेंगे, और जो हमारा बैटर है 20 मिनट हमारा हो चुका है, हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। अगर ये आपको ठीक लगे, बैटर सेट होने के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने जो है पानी इसमें ज़्यादा डाला था, जो ये सही बन गया है। अब अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो आप एक दो चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बैटर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो मैंने ये इनो लिया है, कोई सही फ्लेवर वाला इनो ले सकते हैं। तो हम इनो को इसमें डाल देंगे, हम पूरे पैकेट डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। एकदम से ये ज़्यादा हो जाएगा। गैस, आप जो बनाते हैं खमन, तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी बना सकते हैं, अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इनो में ही बनाइए, क्योंकि इनो में जो खमन बनता है ना, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसको पतीले में डाल देंगे जिसमें मैंने ऑयल लगाया है। हम इसमें डाल देंगे अच्छे से, मसाले निकाल के इसमें से डाल लेना है इसमें। फिर हमें इस तरह से करना है कि ये चिपकेगा नहीं कुक होने के बाद। नीचे से भी हमें इस तरीके से हिलाना है, ये ज़रूरी है इस तरीके से। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। हम पानी में स्टैंड को डाल देंगे, हमने स्टैंड को डाल दिया। अब हम इसमें ये पतीले को जिसमें हमने बैटर डाला हुआ है इसको रख देंगे, और हम इसे ऊपर से ढक देंगे। इसे गाइस हमें 20 मिनट के लिए इसी तरीके से स्टीम करना है। 20 मिनट के जो बाद है हम आके चेक करेंगे। तो गाइस, 20 मिनट्स हो चुका है, अब हम एक बार चेक कर लेंगे खमन को। ये हो चुका है, आप कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि आपने देख रहा है कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो साइड का है जो हमारा खमन वो पतीले से अलग हो रहा है, छोड़ दिया है। दैट मीन ये कुक हो चुका है। तो हम इसे अब निकाल लेंगे, स्टीम से बंद कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हो गया है, कितने अच्छे से पतीले को छोड़ दिया है ये। अब हम इसे
5 मिनट सेट होने देंगे। इसी तरह अगर हम गरम गरम इसे पलट देंगे तो ये टूट भी सकता है, इसलिए हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने देंगे, मतलब ठंडा होने देंगे 5 मिनट, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो गाइस 5 मिनट हो गए हमारा और हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हमें रखना है, ऊपर से इस तरीके से हाथों से हल्के हल्के हाथों से कर देंगे हम। अब हम इसे उठा लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और ये कितना पफी भी बना है, बहुत यम्मी। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है ये बैटर जो हमारा था खमन, बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट, बहुत पफी। तो अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। तो पहले हम इसे छोटे छोटे काट लेंगे, पीस पीस, हमें बहुत केयरफुली काटना है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा खमन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये, तो हम इसी तरीके से काट लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा बना है, इसमें जो तड़के का जो जूस आएगा वो बहुत अच्छा से जाएगा इसमें। तो हम इसे कट कर लेंगे, आप चाहें तो बिना कट किए ही ऊपर से भी तड़का इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट कर दूंगी क्योंकि कट करने से जो होता है तड़का जो है जो जूस है उसका जो लेमन और शुगर का जो जूस होता है वो बहुत अंदर तक जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। तो हमने इनको कट कर लिया है, अब हम चलते हैं तड़का की तरफ। तो हमारा कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डालेंगे ये चिल्ली और करी पत्ता हम डालेंगे। हमें इसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स भी डालना है, मस्टर्ड सीड्स बहुत ही ज़रूरी है इसमें, तो मैं एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स में डाल दूँगी। अब मस्टर्ड के चटकने का वेट कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने इतना पानी लिया है, मैंने आधे गिलास, तो मैं पानी इसमें डाल दूंगी। केयरफुली डालना है क्योंकि तेल की छींटे पड़ जाती है, तो हम डाल देंगे। अब हम जो है हमने आधा गिलास पानी ही डाला है, ज़्यादा नहीं डालें, जितना खमन है उसी हिसाब से डालेंगे हम। और हम पानी में थोड़ा चीनी डालेंगे, तो मैं चीनी यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डालूँगी मैं। और चीनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि चीनी जो है हमारा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए पानी में। तो गाइस देखिए हमारा जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम जो बंद कर देंगे हम चूल्हे को, इसके बाद ये बंद हो चुका है, पानी बिल्कुल शांत हो जाए, फिर हम उसमें, मैंने ये पूरा एक बड़ा लेमन का जूस निकाला है, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और फिर अब चलते हैं खमन के ऊपर तड़का डालेंगे। तो मैं अब तड़के को खमन के ऊपर डाल दूंगी। मैं यहाँ पे एक स्पून का सहायता से कर रही हूँ, चार तरफ हमें अच्छे से डाल देना है। तो हमने खमन के ऊपर डाल दिया है, अब हम इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो जूस है अच्छे से सारे हमारे खमन में सेट हो जाए अच्छे से। फिर 5 मिनट के बाद हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा बना है ये। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से जो लोग हैं वो खमन और ढोकला को एक ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ खमन और ढोकला दोनों ही गुजराती डिश है और दोनों ही अलग अलग डिश है। जो हमारा खमन है वो बेसन से बना है जैसे मैंने अभी दिखाया, जो हमारा ढोकला होता है उसमें चना का दाल जाता है और चावल का आटा जाता है, तो वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग डिश हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है हमारा खमन। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा।
वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।